नमस्कार, मैं पूजा कपूर और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। विकास से कोसों दूर है भाजपा सांसद व बलिया से प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह मस्त का पैतृक गांव मुरली छपरा। जी हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के बैरिया तहसील के अंतर्गत मुरली छपरा ग्राम सभा की, जहां बीजेपी सरकार में विकास कोसों दूर है। शहीदों की धरती बलिया के विकास की बात की जाए तो चाहे पूर्व के केंद्र की कांग्रेस व सूबे की सपा सरकार हो या फिर वर्तमान की बीजेपी सरकार, विकास के नाम पर जन प्रतिनिधियों ने दावे तो बहुत किए पर जमीनी हकीकत की बात करें तो यहां पर विकास के नाम पर आंकड़ों की बाजीगरी नजर आती है। पिछले दिनों क्लाउन टाइम्स की टीम ने बलिया के सांसद भरत सिंह के गोद लिए आदर्श गांव उजवलिया की पड़ताल करने पर निराशा ही हाथ लगी। वहीं दूसरी ओर भरत सिंह का टिकट काट कर भदोई के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त को बलिया से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद उनके पैतृक गांव मुरली छपरा में पिछले 5 वर्षों में हुए विकास कार्यों की पड़ताल करना लाजमी था। बलिया से रिपोर्टर अरविंद सिंह के साथ हमारी टीम ने जो देखा उसे हम अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। बताते चले कि भदोई से बीजेपी के सांसद व बलिया लोकसभा के प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह मस्त का पैतृक गांव मुरली छपरा जिले से लगभग 45 किलोमीटर दूर बसा है। इस गांव की भोली भाली जनता से विकास के बारे में सवाल करने पर बताया कि उनके सामने सबसे बड़ी समस्या बिजली, पानी और सड़क है। मोदी राज में भी यहां की गरीबी जनता आवास को लेकर निराश है। आइए जानना चाहते हैं कि इस गांव में क्या विकास हुआ है। जी आपका नाम क्या पड़ेगा? कहां के रहने वाले हैं? आपके गांव में विकास हुआ है? जी हुआ है। अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? अगला प्रधानमंत्री गठबंधन या मायावती। आपका नाम क्या पड़ेगा? इस गांव में विकास हुआ है? विकास थोड़ा सा हुआ है। विकास थोड़ा सा हुआ है। आवास आपको मिला है? आवास तो नहीं मिला है। सड़क बना है? सड़क बना है। यहाँ पर मुरली छपरा ग्राम सभा के यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर जनता है। हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि आप अपने यहाँ पर अपने कैमरे को घुमाएं और झुग्गी झोपड़ियों को थोड़ा इधर दिखाएं। संख्या में लोग गांव को उपस्थित हुए हैं। ये हरिजन बस्ती है और यहाँ पर काफी महिलाएं भी हैं, काफी पुरुष भी हैं, काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और ये अपने गांव के विकास के लिए चिंतित है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विकास व चुनावी मुद्दे के सवाल पर ग्राम प्रधान रामशंकर सिंह ने बताया कि गांव में उस स्तर का विकास नहीं पहुंचा है, लेकिन मैं अपने छोटे से कार्यकाल में इस गांव के विकास को उच्च श्रेणी पर ले जाने का प्रयास कर रहा हूं। हमारे ग्राम सभा में विकास के रूप में बहुत से कार्य जो भी बाकी बचा हुआ था सब कार्य पूरा हो चुका है। कहीं कहीं हमारे ग्राम सभा में जो पानी टंकी की नलकूप की पाइपें लगी हुई थी, हर जगह हर गली में जो भी पाइपलाइन लगी हुई है उसका खड़ंजा वगैरह खराब हो चुका था और बहुत से जगह पर खड़ंजा नया हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार आपके माटी के वीरेंद्र सिंह मस्त जी को बनाया है, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में आप? अरे हमारे ग्राम सभा के हमारे बड़े भाई सांसद वीरेंद्र सिंह भी जी हैं, हमारे बड़े भाई हैं वो और गांव से लगाव भी रखते हैं। गांव में तो बराबर आना जाना रहता था उनका और विकास के लिए भी मान लीजिए जो भी थोड़ा बहुत मदद है मिलता रहता था उनसे। इस बार का चुनावी मुद्दा क्या होगा? इस बार का चुनावी मुद्दा अगर प्रधानमंत्री के रूप में तो हम लोग देखना चाहते हैं मोदी जी को। अगर मोदी जी प्रधानमंत्री रहे तो देश का विकास भी होगा। दलित बस्ती की गरीब जनता के सामने पानी के निकासी की बड़ी समस्या है। कुछ गरीबों को भाजपा सरकार में आवास तो मिला है पर उनका वोट बीएसपी की नेता मायावती को ही जाएगा। कुल मिलाकर चाहे बीजेपी सांसद भरत सिंह का आदर्श गांव उजवलिया हो या बीजेपी के वर्तमान प्रत्याशी व सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त का पैतृक गाँव मुरली छपरा हो, विकास के मुद्दे पर ग्राम सभा की जनता में उज्जवल भविष्य के लिए सांसद की उदासीनता झलक सकती है। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें।